नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बनना पड़ा भगवान शिव को मछुआरा। तो आइए जानते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमर कथा और सृष्टि का आदि रहस्य सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। भगवान शिव ने बताया भी, लेकिन माता पार्वती बीच में ही सो गई। जब भगवान शिव की नजर नींद में डूबी माता पार्वती पर पड़ी तो वे बहुत क्रोधित हुए। जब माता पार्वती की निद्रा टूटी तो महादेव ने कहा कि तुम आदिशक्ति हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा आचरण अज्ञानी और निम्न श्रेणी से मनुष्य की तरह हो जाता है। इससे माता पार्वती रुष्ट हो गई। उन्होंने संकल्प लिया कि अब भगवान शिव को उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप धारण करना होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती के वियोग में भगवान शिव बेचैन हो उठे, लेकिन माता पार्वती नहीं लौटी, क्योंकि वे एक मछुआरे की पुत्री के रूप में धरती में जन्म ले चुकी थी। भगवान शिव माता पार्वती को न पाकर विचलित हुए, परंतु उसी समय नारद जी उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें दिलासा दिया। उधर मृत्युलोक में माता पार्वती विवाह के योग्य हुई तो भगवान शिव ने अपने गण नंदी को धरती पर भेजा। नंदी ने एक बहुत ही विशाल मगरमच्छ का रूप धारण किया तथा वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जहां माता पार्वती के परिवार के लोग मछलियां पकड़ते थे। नंदी रूपी मगरमच्छ ने वहां भारी आतंक मचाया और मछुआरों के सभी जाल फाड़ डाले। नंदी ने कई लोगों को भी घायल कर दिया। नौबत ये आ गई कि मछुआरे भूखे मरने लगे, क्योंकि वो लोग मछलियां पकड़ने के लिए जल में उतरने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तब माता पार्वती के पिता, जो वहाँ के मुखिया थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करने का प्रस्ताव रखा जो उन्हें नदी में उत्पात मचा रहे भयानक मगरमच्छ से मुक्ति दिलाएगा। तब भगवान शिव मछुआरे का रूप धारण कर नदी के समीप गए तथा उस विशाल मगरमच्छ को वश में कर उसे वहां से भगा दिया। शर्त के अनुसार मछुआरों के मुखिया ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराया तथा इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।